हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हैकर रैंक की एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज रिवर्स गेम और ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम लोग रीड आउट करते हैं, देन इसको समझने की कोशिश करेंगे। आकाश एंड अखिल आर प्लेइंग अ गेम। दे हैव एन बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। अखिल आस आकाश टू रिवर्स द पोजिशन ऑफ द बॉल्स, दैट इज टू चेंज द ऑर्डर फ्रॉम से 0 1 2 3 टू 3 2 1 0। ही फर्दर आस्क आकाश टू रिवर्स द पोजिशन ऑफ बॉल्स एन टाइम्स, ईच टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम वन पोजिशन फर्दर टू द राइट टिल ही रीचेस टू द लास्ट बॉल। सो आकाश हैज टू रिवर्स द पोजिशन ऑफ द बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम 0th पोजिशन, देन फ्रॉम 1st पोजिशन, देन फ्रॉम 2nd पोजिशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। एट द एंड ऑफ द गेम अखिल विल आस्क आकाश टू फाइनल पोजिशन ऑफ एनी बॉल नंबर के। आकाश विल विन द गेम इफ ही कैन आंसर करेक्टली, हेल्प आकाश। तो इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले आइए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स जो गिवन है वो लेट्स से 4 है, और इनके जो नंबर्स होंगे दोज विल बी 0 1 2 3। तो अगर हम रिवर्सिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, तो रिवर्सिंग ऐसी होगी 3 2 1 एंड 0। इस केस में ये जो 3 है इसकी पोजीशन फ्रीज होगी। अब इसके बाद एक बार और उसको रिवर्स करना है, तो 2 1 0 वाला रिवर्स होगा, अब 0 1 2 हो जाएगा ये, और इस केस में 0 फ्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट उसको जो रिवर्स करना है नेक्स्ट पोजिशन से, मतलब 1 से स्टार्ट करके। सो यहाँ पे बॉल के जो नंबर्स हैं वो पहले 2 हो जाएगा, देन 1, एंड फाइनली हमें इसको रिवर्स करना है। तो इसको रिवर्स करने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है लास्ट वाले को, क्योंकि एक ही बॉल है। तो यहाँ पे 3 वैसे ही रहा, यहाँ पे 3 और 0 वैसे ही रहा, और अब आप देख सकते हैं कि जो फाइनल पोजीशन हमने ऑब्टेन किया है वो ये है, 3 0 2 एंड 1। ध्यान से अगर देखना शुरू करें तो लास्ट बॉल हमारी यहाँ पे है पहली पोजीशन पे, उसके 2 स्पेस बाद सेकेंड लास्ट बॉल है। फिर इसके बाद अगर हम वापस आए तो जो 0 नंबर की बॉल है वो 1 पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, 1 नंबर वाली इससे 2 पोजीशन आगे है। तो आइए हम एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं, जैसे शायद हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये रिवर्सिंग हो कैसे रही है। लेट से मेरे पास एन इज इक्वल टू 6 है, तो जो बॉल के नंबर है वो होंगे 0 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमने इसको रिवर्स कर दिया स्टार्टिंग पोजीशन से, सो 5 4 3 2 1 एंड 0। 5 फ्रीज हो गया। अब आगे वाले को रिवर्स करते हैं, तो 4 3 2 1 0 को 0 1 2 3 4 करना होगा हमें। 0 की पोजीशन फ्रीज हो गई है, 1 से स्टार्ट करते हैं रिवर्सिंग, सो 4 3 2 1 हो गया ये। 4 फ्रीज हो गया, अब आगे स्टार्ट करते हैं, तो ये 1 2 3 हो गया, 1 फ्रीज हो गया। अब इसके बाद आगे वाले को रिवर्स करते हैं तो ये 3 2 हो गया। टू वाले को रिवर्स करने का कोई मीनिंग नहीं है, इसकी पोजीशन यही रहेगी। तो मेरे पास जो बॉल के नंबर्स हैं, फाइनल बॉल के जो नंबर्स हैं वो ऐसे हैं, 5 0 4 1 3 2। ऑब्जर्व करते हैं इसको जरा। इसके बाद बॉल्स की नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं, बॉल के नंबर्स क्या, इंडेक्सेस कौन से हैं। 5 का इंडेक्स हो गया 0, 4 का इंडेक्स हो गया 2, 3 का इंडेक्स हो गया 4। फिर इसके बाद वापस आते हैं, 0 का इंडेक्स 1, 1 का इंडेक्स 3 और 2 का इंडेक्स 5। तो अगर हम ऐसा बताएं कि एक हमने मैंने मैं एक सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक काम किया है कि एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल ले लिया है, और इस डायरेक्ट एड्रेस टेबल का साइज 6 ले लिया है, और इसमें मैंने इंडेक्सेस मार्क कर दिए हैं 0 1 2 3 4 5। और सबसे पहले मैंने नंबर को स्टोर कराने की कोशिश की, या फिर नंबर की पोजीशन जानने की कोशिश की। तो मैंने सबसे पहले 5 का इंडेक्स जानने की कोशिश किया, तो ये 0 है, और इससे 2 ज्यादा इंडेक्स होगा 4 का, और इससे 2 ज्यादा इंडेक्स होगा 3 का। और जैसे आप इसको और ज्यादा करेंगे तो ये इंडेक्स को क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब है कि वो 6 इंडेक्स पर पहुंच जाएगा, तो 6 वैलिड इंडेक्स नहीं है। तो आइए वापस आते हैं और अब स्टोर करते हैं 0 को, तो 0 का इंडेक्स होगा 1, एंड देन उसके बाद 1 का इंडेक्स होगा 3, एंड देन उसके बाद जो 2 का इंडेक्स है वो 5 है। दो दो डिस्टेंस पे ये हैं, और जैसे आप दो और बढ़ाएंगे ये रेंज को क्रॉस कर जाएगा इंडेक्स के,
और यहीं पे आप अपने प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। छोटी सी अगर हम एल्गोरिथम ही यहाँ पे लिखने की कोशिश करें या सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ कोड ही लिखने की हम कोशिश करें, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक मान लेते हैं कि इनपुट मेरे पास n गिवन है, जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉल्स अगर n गिवन है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो इंडेक्सेस होंगे वो n-1 तक ही इंडेक्सेस मेरे पास होंगे। तो एक मैंने अपनी तरफ से n ले लिया है और उसको इनिशियलाइज कर लिया है n-1 से, तो ये लास्ट बॉल का नंबर है। इसके बाद मैंने एक i ले लिया है इंडेक्स, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर लिया है। 0 से इसलिए इनिशियलाइज कर लिया क्योंकि सबसे पहले हम स्मॉल n बॉल को स्टोर कराएंगे, देन n-1 को, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि जब तक जो इंडेक्स मेरा है दैट इज लेस देन और इक्वल टू दी गिवन इंडेक्स, लेट से n-1 विल बी द लास्ट इंडेक्स। तो मैंने क्या किया है कि DAT के इंडेक्स n पे रख दिया है i। इस i का ये मीनिंग है कि सबसे पहले हम अगर प्रीवियस एग्जांपल को लें तो n वाला n की वैल्यू हमारी 5 होगी, और 5 इंडेक्स पे हमने या DAT के 5 इंडेक्स पे हमने एक वैल्यू डाल दिया है दैट इज 0, और 5 का पोजीशन 0 होगा वो ये बता रहा है। इसके बाद हमने क्या किया कि नंबर को एक रिड्यूस कर लिया। नंबर को रिड्यूस करने का ये मतलब है कि अब 5 को स्टोर कर लिया है, अब मुझे 4 की पोजीशन जाननी है। इसके बाद फिर मैंने आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 कर लिया, क्योंकि जो 4 की पोजीशन होगी वो इससे 2 आगे होगी। तो जब तक आई लेस देन और इक्वल टू n-1 है, ये हम प्रोसेस करते रहेंगे। जैसे हमने नंबर्स को स्टोर कर लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्टोरेज किस किस का कराया, 5, 4 और 3 का करा लिया। अब 3 के बाद जो आई हमारा हो रहा है वो इंडेक्स को क्रॉस कर जा रहा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 ऑनवर्ड्स इसमें स्टोरेज कराने की कोशिश करेंगे। तो 0 ऑनवर्ड्स स्टोरेज कराने के लिए मुझे पता है कि जो नंबर 0 है उसका जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा, और उसके बाद फिर दो दो इंडेक्स हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और स्टोर करते रहेंगे। तो जब तक मेरा जो नंबर है, एक काम करते हैं कि जिस नंबर को मुझे स्टोर कराना है, जो मैं नंबर मुझे स्टोर कराना है, अब मैं यहाँ पे उसको रीइनिशियलाइज कर लेता हूँ और वो नंबर मेरा हो गया 0। सो जब तक मेरा आई इंडेक्स जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू n-1 लास्ट इंडेक्स, तब तक मैं DAT के nth इंडेक्स पे स्टोर कराऊंगा आई और नंबर को एक बढ़ा दूंगा। अभी हमने 0 स्टोर किया, देन 1 को स्टोर करेंगे, देन 2 को स्टोर करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी के साथ साथ आई इंडेक्स को 2 बढ़ा देंगे, जिससे कि मेरा नंबर जो है वो 2 इंडेक्स आगे स्टोर हो सके। तो जब तक आई लेस देन और इक्वल टू n-1 हमारा प्रोसेस चलेगा, जैसे इसको क्रॉस कर जाएगा हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और फाइनली जो मुझे रिटर्न कराना है वो रिटर्न कराना है एक के नंबर की बॉल मुझे गिवन है उसकी पोजीशन मुझे रिटर्न करानी है। तो मैं क्या करता हूँ कि DAT पे जाता हूँ और उसके kth इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। भाई इसको कोड करके हम लोग देखते हैं। मैंने ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है, सबसे पहले इस कोड को समझने के लिए एक कंस्ट्रेंट को भी समझ लेते हैं। कंस्ट्रेंट से यहाँ पे ये गिवन है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस विल बी लेस देन और इक्वल टू 50। इसका मतलब है कि मल्टीपल टेस्ट केसेस इसमें होने वाले हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू 5 होंगे, और जो के की वैल्यू है वो ऑब्वियस सी बात है कि 0 से n के बीच में कोई वैल्यू होगी। फाइन, तो इसके इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्ट एड्रेस टेबल का को हम यहाँ पे यूज करेंगे, दो तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक ऐसी डायरेक्ट एड्रेस टेबल बना सकते हैं जिसमें कि जिसको हम मैलॉक फंक्शन का यूज करके और उसको n साइज का ही डायरेक्ट एड्रेस टेबल बनाए। दूसरा तरीका क्या है कि हमें कॉन्स्टेंट साइज का एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल बना लेते हैं कंस्ट्रेंट के हिसाब से। ये थोड़ा आसान होगा, हालांकि ये ऑप्टिमल नहीं है। आपको अगर फैमिलियरिटी है मैलॉक फंक्शन की तो आप उसका यूज करके उतने ही साइज का डायरेक्ट एड्रेस टेबल बना सकते हैं जितने साइज के n वैल्यू है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे क्या किया कि 10^5 साइज का एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल बना लिया। तो आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो पार्ट ऑफ कोड था उसमें कोई फंक्शन गिवन नहीं था, तो मुझे क्या करना है कि मेन के अंदर ही लिखना है हैकर रैंक में। तो मेन के अंदर मुझे एक p गिवन है
और टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, उसी के नीचे की लाइन से मैंने अपना कोड ऐड कर दिया। तो वाइल टी माइनस माइनस का मतलब ये है कि जब तक टेस्ट केसेस की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होकर जीरो नहीं हो जाती है, तब तक मैं इस प्रोसेस को करता रहूंगा। और यहाँ पे एन वो नंबर ऑफ बॉल्स हैं कि हमारा वो इंडेक्स है जिसकी, या वो बॉल नंबर है जिसका इंडेक्स मुझे पता करना है। तो जैसे मैंने एल्गोरिथम में लिखा था, आई की वैल्यू जीरो, एक एम ले लेते हैं एन माइनस वन से उसको इनिशलाइज कर लेते हैं, एक डी ए टी और उसके सभी एलिमेंट को जीरो से इनिशलाइज कर लेते हैं, अदरवाइज ये गार्बेज वैल्यू हमें देगा। इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जब तक आई लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन है, मतलब लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते, तब तक डी ए टी के एमएथ इंडेक्स पे आई वैल्यू या आई स्टोर कर रहे हैं, जिससे कि मुझे पता होगा कि एमएथ बॉल का जो इंडेक्स होगा वो आई होगा। फिर आई को दो बढ़ा देना और एम को एक रिड्यूस कर देना है। तो लास्ट नंबर ऑन लास्ट नंबर से लेके छोटे नंबर की तरफ हमें, या लास्ट बॉल नंबर से छोटे बॉल की तरफ हमें आगे पीछे चलना है। फिर इसके बाद हम री इनिशलाइज करते हैं एम की वैल्यू जीरो, मतलब कि अब बॉल नंबर जीरो ऑनवर्ड से स्टार्ट करना है। फिर आई इक्वल्स टू वन, इसका मतलब है कि बॉल नंबर जीरो का जो इंडेक्स होगा वो वन होगा। फर्दर आई जब तक लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन हम प्रोसेस करते रहेंगे और डी ए टी के एमएथ इंडेक्स पे आई को स्टोर कर देंगे। आई को दो आगे बढ़ाना, आपको पता है कि अगर बॉल इन नंबर जीरो वन इंडेक्स पे स्टोर हुआ है तो थ्री इंडेक्स पे बॉल नंबर वन वन स्टोर होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एम को आगे बढ़ाते रहना ताकि आप बॉल नंबर को आगे बढ़ाते रहें। सो इस तरह से जब हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे kth बॉल का इंडेक्स रिटर्न करना है, इसलिए मैंने प्रिंट एफ कर दिया डी ए टी के। ये याद रखिएगा क्योंकि मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं, तो हमें हर एक टेस्ट केस के लिए जो आंसर देना है वो न्यू लाइन में देना है, इसलिए स्लैश एन का जरूर यूज कीजिए। कोड को रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस रन हो गया है, एंड फर्दर आप सबमिट करके कोड को देख लेते हैं। यू कैन सी दैट ऑल द टेस्ट केसेस हैव गॉट पास्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग।